मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर रोज रात को हम 10:30 बजे ईश्वर टीवी के माध्यम से मिलते हैं, 10:30 बजे साधना प्लस में मिलते हैं और 11 बजे हम लोग साधना टीवी पे आपसे रूबरू होते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपको उस वक्त देते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत होकर आप लोग हमसे लाइव पे बात कर सकते हैं, मुझसे और संजीव जी से आप लोग लाइव पे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि क्या आपका बृहस्पति खराब है, क्या आपका बृहस्पति खराब है, ऐसे कौन से पहचान है बृहस्पति के खराब होने की जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका बृहस्पति देव जो है वो खराब हो गए हैं। औरतों में और जायंट्स में और लेडीज में, दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में आपका बृहस्पति देव जो है वो खराब है, और बच्चों का भी बृहस्पति देव कैसे खराब हो जाता है ये भी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी और उसको देखने से, देखिए कुंडली में सभी लोग जो है वो देखते हैं, और लेकिन जिनको कुंडली की नॉलेज नहीं है वो कैसे पहचाने कि बृहस्पति देव आपका खराब हो गए हैं। तो देखिए, बात करते हैं लक्षणों से कि आपका बृहस्पति देव खराब है। सबसे पहले बृहस्पति देव खराब होने की निशानी ये होती है कि हमारे जो बाल है वो हमारे बाल यहाँ चोटी से या बीचों बीच हमारे सर से उतरने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। आपके 28 से लेकर 30-35 तक की उम्र में ये बाल जो है निकलते निकलते बारीक हो जाते हैं और वो बारीक होते होते गायब हो जाते हैं। जिन लोगों के बाल इधर से निकलते हैं उनके शनि खराब होते हैं, जिनके बीच में से निकलते हैं उनके बृहस्पति खराब होते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके बाल अक्सर टूटते ही रहते हैं, उनके बाल कंघी करने पर बहुत झड़ते हैं, बहुत टूटते हैं, उनके शनिदेव भी खराब होते हैं, उनके बृहस्पति देव भी खराब होते हैं। और जब बालों के अंदर, देखिए अगर आपके बाल कॉन्टिन्यूसली झड़ रहे हैं और वो गुच्छों के गुच्छे निकल रहे हैं तो आपके बृहस्पति देव खराब है, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में निकल रहे हैं या गिर रहे हैं तो आपके शनिदेव खराब है। और जब बाल बिल्कुल कम होने लग जाए, यानी कि बीच में गैप दिखने लग जाए अगर आपके बालों के बीच में, तो बृहस्पति देव खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। दूसरा, आपके बड़े बुजुर्गों का साथ आपको कितना मिल पाता है ये बताता है कि हमारे बृहस्पति देव खराब है। आपके बड़े बुजुर्ग होते हुए भी वो आपके भाई बहनों के साथ में रहने लग जाते हैं और आपके जो है दूसरे परिवार वालों के साथ में रहने लग जाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा बृहस्पति कितना खराब है। ये आपको पता चलता है कि आपके सास जो है आपके साथ में नहीं रह रही है, आपके ससुर आपके साथ में नहीं रह रहे हैं, या कोई बड़ा बुजुर्ग आपको पसंद ही नहीं करता है, आप परिवार में रह रही है, आपके परिवार में इतना बड़ा कुटुंब है आपका, इतनी बड़ी फैमिली है, बड़ी बिग फैमिली में रह रही है, तो आप इससे पता लग जाए और वहां पर लोग जो है आपको पसंद नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपका बृहस्पति देव खराब है। जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं वो लोग उन लोगों को उनके बड़े बुजुर्ग बहुत पसंद करते हैं, उनसे सारी बातें पूछ पूछ कर सब कार्य करते हैं, चाहे वो उम्र में कितने भी छोटे क्यों ना हो। इससे पता चल जाता है कि आपका बृहस्पति खराब है। नंबर 3, बृहस्पति खराब होने की तीसरी निशानी, क्या आपका सोना बार बार बिक जाता है या आपका सोना जो है वो बार बार मॉर्गेज के लिए आप लोग दे देते हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति देव जो है वो खराब है। बृहस्पति देव खराब होते हैं तो हमारे घर का अक्सर हमारे पति क्या करते हैं कि लाओ जी हमें काम करना है, और अपनी महिलाओं का, अपने घर की जो लेडीज होती है उनका सोना लेते हैं और जाकर किसी, जैसे मथूट है, मूर्गन जैसे मथूट है, और भी किसी बैंक्स वगैरह में जाकर वो लोग जाकर दे देते हैं, वहां पर जाके मॉर्गेज कर देते हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति अब खराब हो गया है। ये पहचान है आपके बृहस्पति खराब होने की निशानियां हैं। ये 3 निशानियां मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके बाल कम हो जाए, आपके बड़े बुजुर्ग आपको पसंद ना करें, आपका सोना जो है लगातार बिकना शुरू हो गया है, आपके बृहस्पति देव खराब हो गए हैं। बृहस्पति देव और कैसे खराब होते हैं कि सपोज आप जो है शरीर से बहुत मोटे होते जा रहे हैं, आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा भार आ रहा है और बहुत ज्यादा फूल रहा है, और जितने आप स्लिम ट्रिम रहते हैं आपका बृहस्पति देव बहुत अच्छा रहता है, आपको ज्यादा परेशानियां नहीं आती है। जैसे ही आपका पेट वजन बढ़ना शुरू हो जाए, खासकर पेट जिनकी टोन निकल जाती है, उनके बृहस्पति देव बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ये आपकी 4थी निशानी हो गई। 5वीं निशानी ये है बृहस्पति देव की, जो बहुत बड़ी निशानी है और ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसा इंसान करजाई हो जाता है। करजाई,
कर्जा उठा लेने के लिए फिर कर्जा लेता है, कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जा लेता है, एक तरफ से कर्जा उसका निपटता नहीं है, घर पे भी कर्जा ले लेता है। जब बृहस्पति दोनों शनि दोनों खराब हो जाते हैं तो ऐसा इंसान घरों पे कर्जा लेना शुरू कर देता है, तो ये भी बृहस्पति देव खराब होने की निशानी होती है। और छठी जो दिक्कत है, सिक्स्थ पॉइंट जो है बृहस्पति देव खराब होने का, कि आपका जो है लिवर किडनी से संबंधित आपको परेशानी आनी शुरू हो जाए, आपके लिवर में सिरोसिस हो जाए या लिवर की बीमारियां आपको जकड़ने लग जाए, आपको जो है यूरिनरी प्रॉब्लम जो है वो और आपको घेर ले, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो जाए, सांस की प्रॉब्लम हो जाए, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाए, आपकी स्किन खराब होने लग जाए, और कितने भी बड़े से बड़ा कैंसर जो होता है, जो लोग कहते हैं कि शनि देता है, केतु देता है, चंद्र देता है, कैंसर का ओरिजिनेट जो होता है वो बृहस्पति देव करता है। बड़े से बड़ा कैंसर जो है, पत्रिका में कैंसर का योग है, बृहस्पति देव आपका खराब है तो कैंसर आपको निश्चित है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा और ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बेसिक उनकी अंदर की गूढ़ ज्ञान है एस्ट्रोलॉजर्स का। बृहस्पति देव खराब होंगे, बड़े से बड़ा कैंसर दे देंगे और लास्ट टाइम पर आपको पता चलेगा कि आपको थर्ड स्टेज का कैंसर है। ये बृहस्पति देव खराब होने की बहुत बुरी कंडीशन जो है वो हो जाती है। अब ये बृहस्पति देव आपका खराब है, आपकी सातवीं निशानी क्या है बृहस्पति देव खराब होने की, आपके कुल देवी और कुल देवता आपसे नाराज रहते हैं, आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में नेगेटिविटी का वास रहता है, आपका ईशान कोण जो है वो भी खराब है, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति जो है वो खराब हो चुका है। और दर्शकों, बृहस्पति देव खराब होने की और निशानी ये होती है, आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने प्रॉब्लम, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको दिक्कत आ जाती है। नौवा पॉइंट ये है कि अगर आपके बरकत की थाली में मोटा छेद हो जाता है और सारा बरकत आपकी निकल जाती है, समझ जाइए आपका बृहस्पति जो है वो अब खराब हो चला है और वो आपको अच्छा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं दे रहा है। दसवां पॉइंट ये होता है जब हमें दुनियावी फायदा मिलना भी बंद हो जाए और हमारे को लोग हमारी सहायता करनी बंद कर दें, आपके नौकर आपको धोखा देके भाग जाए, शनि भी खराब हो जाता है, आपका बृहस्पति भी, जिन लोगों के चेन स्नैचिंग हो जाती है रास्ते में जाते जाते, या उनका कोई चोर या चोरी अगर उनके घर में हो जाती है और बहुत सारा कीमती सामान निकल जाता है, या उनके घर के नौकर ही उनको फंसा देते हैं, तो बृहस्पति देव आपका उसी दिन खराब हो जाता है। अब इस बृहस्पति को ठीक कैसे करना है वो भी आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से बताऊंगी। और लेकिन कुंडली, जो लोग कुंडली को जानते हैं और देखना चाहते हैं कि बृहस्पति देव कैसे खराब होते हैं, तो वो लोग जान सकते हैं कि कुंडली में आपके लगन में बृहस्पति देव बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे भाव में अच्छे होते हैं, तीसरे भाव में अच्छे होते हैं, बब्बर चेर होते हैं, चौथे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, पांचवे छठे भाव में बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं, आठवें भाव में बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं, दशम भाव कर्म का भाव है, शनि की मलकियत है और कर्म का स्थान है, वहां पर बृहस्पति देव आके डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्यारहवें भाव में बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं और बारहवें भाव में भी बृहस्पति देव खराब ही माने गए हैं। इसकी और डिटेलिंग के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जो है डिटेल्स हम लोग करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति देव की खराब है या ऐसी आपको लक्षण अगर आपको नजर आते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं और अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण जो है वो करवा सकते हैं। हर एक ग्रह के बारे में, उसकी युतियों के बारे में, उसकी दृष्टियों के बारे में, उसकी जो पूरे ज्यामिति से, लाल किताब से, वैदिक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, फेस रीडिंग से, आपकी पामिस्ट्री से, और आपके घर यहाँ पर बैठे बैठे आपके घर के दर्शन करके आपको सब बताते हैं, ये सब चीजों से हम लोग आपका देखते हैं आपकी मस्तक रेखा पे बृहस्पति देव कैसे खराब है। जिन लोगों के हाथ का ये जो पर्वत है, ये बृहस्पति देव है, जितना उठा होगा उतना बृहस्पति आपका बहुत स्ट्रांग होगा। ये देखिए, जितने आप अच्छे अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, बृहस्पति देव आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ये हमारा कर्म का हाथ और हमारे जो है किस्मत का हाथ, दोनों हाथ आप अपने साथ लिए हुए हैं। जितने गुरु की सेवा कर सकते हैं कीजिए, किसी गुरु को धारण कीजिए, आपके बृहस्पति देव ठीक हो जाएंगे। जितना गुरु के साथ आप अच्छी तरीके से रहेंगे, श्रद्धा से, उनकी भावना से सेवा करेंगे, बृहस्पति देव आपके अच्छे होते चले जाएंगे।
आप बृहस्पति देव को अच्छा करने के लिए जो है साई बाबा भगवान साक्षात भगवान है साई साई देव उनकी भी पूजा कर सकते हैं और उनको भी मना सकते हैं। वीरवार के वीरवार उनके फास्ट भी रख सकते हैं या आप मंदिर में जाकर, लेकिन वो आपकी कुंडली के हिसाब से, इसलिए हम वैसे ही उपाय बताते हैं जिससे आपको फायदा ही फायदा होना हो। केले को पेड़ कर सींच कर देखे बृहस्पति देव आपके ठीक हो जाएंगे। किसी बुजुर्ग ब्राह्मण की सेवा करके देखे बृहस्पति देव आपके ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग ब्राह्मण को तो छोड़िए, अपने सास ससुर की सेवा कर लीजिए, बृहस्पति देव क्या चीज है, राहु देव भी ठीक हो जाएंगे। करके देखें ये उपाय, करके देखें ये उपाय, आपके जीवन में चमत्कार साक्षात नजर आपको आएगा और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में आती रहेगी। और जब बृहस्पति देव ठीक हो जाती है तो ऐसे इंसान को पैसे खर्च करते समय सोचना नहीं पड़ता। जिनके बृहस्पति खराब होते हैं वो लोग एक एक रुपए का हिसाब 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 करते रहते हैं। 2 रुपए वहां खर्च हो गए, 1 रुपए वहां खर्च हो गया, 5 रुपए वहां खर्च हो गए, बृहस्पति नेगेटिव की निशानी। जो लोग पर्स में से पैसे निकालते हैं और ऐसे करके दे देते हैं बृहस्पति उनके बहुत अच्छे होते हैं। देखिए मैं किसी को निंदा नहीं कर रही किसी की, लेकिन मैं आपको एक पहचान बता रही हूं। पहचान क्या होती है बृहस्पति देव के अच्छे होने की। बृहस्पति देव आपके अच्छे होते हैं, आप ऊंचाइयों पे जाते रहते हैं, आपके राहु केतु शनि किसी से डरने की जरूरत नहीं। बृहस्पति देव इतना विस्तार, इतना बड़ा, 9 ग्रहों में बृहस्पति देव इतना बड़ा ग्रह है जो आपको इतना विस्तार दे देता है और बीमारियों को भी इतने विस्तार से बढ़ाता है। और आपके जीवन में जब आप बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो बृहस्पति देव जो है वो आपके अच्छे होते हैं। अच्छे ज्योतिषाचार्यों के बृहस्पति देव अच्छे होने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको उसके उपाय आपको तभी लगते हैं जब उसका बृहस्पति खुद का अच्छा होता है, तभी आपको आपको जो है दूसरों के आपको उपाय लगते हैं। कई ऐसे मैंने एस्ट्रोलॉजर देखा, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि गुरु जी वहां से उपाय किए लगे नहीं, वहां से उपाय किए कुछ असर नहीं आया, कुछ असर नहीं आया। बृहस्पति देव आपके कितने अच्छे हैं जो आपके दिए हुए उपाय लोगों को लगते हैं, बृहस्पति देव से ही पता चलता है कि आप वास्तु की नॉलेज ले सकते हैं, आप ज्योतिष की नॉलेज ले सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी की नॉलेज ले सकते हैं, आप किसी भी ऑकल्ट साइंस की नॉलेज ले सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बृहस्पति आपका अच्छा होता है। जो लोग अपने अंदर ज्ञान को बसा बसा कर रखते हैं उनके अंदर सिर्फ बीमारियां ही लगती हैं, बृहस्पति देव उनसे कोसों दूर भाग जाते हैं। हमारे प्लैनेट्स में शुक्र देव और बृहस्पति देव दो ही आचार्य हैं, एक गुरुदेव और एक शुक्राचार्य। तो ये अगर आपके गुरुदेव अच्छे हो गए तो शुक्राचार्य जो लग्जरी के देव है वो आपके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बृहस्पति को ठीक करना है, और जिन लोगों को अपनी बढ़ाई करने की आदत पड़ जाए उनके बृहस्पति देव सबसे पहले खराब हो जाते हैं। तो देखिए दर्शकों बातें तो बहुत सी है, मैं तो आपको 4 दिन तक इस बारे में विषय में बोलती रहूंगी, लेकिन मेरा सिर्फ तात्पर्य यह है इस वीडियो को बनाने का, मेरा मकसद यह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान है तो बांटने से ही बढ़ता है। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे हमारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दर्शकों मैं साक्षी ठाकुर आपसे अब विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आपसे फिर किसी विषय पे दोबारा बात करते हुए मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।